नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डी चैनल पर। काफी दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, मतलब कि शिक्षक भर्ती के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर तमाम धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हर समय लापरवाही देखने के लिए मिलती है। समय समय पर नई भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम धरने प्रदर्शन दिए जाते हैं, और जब तक भर्ती में नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते तब तक यहाँ पर धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। अभी हाल ही में 69,000 को लेकर तमाम धरने प्रदर्शन हो चुके हैं और लगातार जारी भी हैं। उसी क्रम में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, जहां पर 40,000 पदों की विज्ञापन के बारे में, परीक्षा तिथि के लेकर, साथ ही अगर बात करें तमाम चीज़ों को लेकर और तमाम मांगों को लेकर, यहां पर जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिल रहा है, जो कि टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के बारे में है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो भर्तियाँ वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से निकाली तो जाती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में नया विज्ञापन भी जारी हुआ, उसके बाद में निरस्त हो गया। रोज नए नए आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन कब तक जारी किया जाएगा इसके बारे में कोई भी यहाँ पे जो फिक्स तारीख है वो नहीं दी जाती है। तो उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ लाइव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपकी जो मांग है वो आगे बढ़े और आगामी समय के अंदर जल्दी से जल्दी आप सभी को जो विज्ञापन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले। मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, हमारी किसी भी से ना लड़ाई है, ना नफरत है, ना पीड़ा है, ना बवाल करना उद्देश्य। हम ये चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 के बाद जो विज्ञापन नहीं आया है, इतने दिन बाद से अधियाचन आते आते 15,508 आया था, उस विज्ञापन को उन्होंने कहा टेक्निकल फॉल्ट है, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। उस विज्ञापन को 1.5 महीने से ज्यादा हो जा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं आप उसको पूरा चयन बोर्ड छावनी में तब्दील है। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर जरूर करें। 5 साल में पैदा होता लड़का कॉन्वेंट में पढ़ने चला जाता, अभी एक तो कदम नहीं चले हैं, अभी तमाम विषयों के रिजल्ट बचे, जिनके इंटरव्यू हो गए हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था सबको पता है। किस 2016 का जीव विज्ञान का हाईकोर्ट है, लड़के रो रहे हैं, कैमरा ना पकड़े, लाइव सेशन चल रहा है। उसी पद पर चयनित होने के बाद लास्ट में प्रवक्ता हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, हम सहायक अध्यापक बन के रह जाएंगे। ये तमाम सवालों के बीच में हम आपसे प्रश्न दागने आए हैं। यह बहस, यह वैचारिक डिबेट आप प्रशासनिक अधिकारियों के भी दिमाग में आना चाहिए। यह स्वर्गीय के पहले आप परिवार के मालिक है, भाई है, चाचा है, किसी न किसी रूप में आप परिवार के सदस्य हैं। कोई ना कोई परिवार का ही आंदोलन की भीड़ का हिस्सा हो सकता है, आपके परिवार का ही आंदोलन चल रहा है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट लहजों में कहना चाहता हूँ कि आप नौजवानों को आप बहुत स्पष्ट तौर पर शासन है। 2021 चुनावी वर्ष है, उसी चुनावी वर्ष में अफरा तफरी का माहौल बचेगा, पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बचेगा। आपने देखा होगा किस तरीके से 2019 के लोकसभा के चुनाव में अफरा तफरी माहौल में तमाम विज्ञापन दिया गया, जानबूझ करके विसंगतियां की गई, आज भी वो घटना लंबित। इसलिए तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग शांति का परिचय दीजिए, आवाज चेयरमैन की इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी, इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि कब वो मिलेंगे और कब हमारे विज्ञापन को देंगे, क्योंकि हम आपसे लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम तो आपको हम मानते ही हैं, इसीलिए आपके दरवाजे पर आए हैं, अन्यथा की स्थिति में कहीं और हो। ये कहना चाहता हूँ कि अगर शासन प्रशासन से लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रशासन और शासन से कहना चाहता हूँ, आप हमारे समाज पर हमारे रोजी रोजगार विज्ञापन के समाज को समझे, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन करना होगा। वाले लोग हैं बहुत बहुत जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इसको शेयर करिए, बड़े तेजी के साथ शेयर करिए, और ये आपका दायित्व तो है शेयर करना। तो हम चाहेंगे शेयर करिए आप लोग, जितने भी साथी भैया 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 जितने भी साथी हैं शेयर करें। और भाई डेट और दी है कि ना, अरे उसी लिए तो इस प्रकार से प्रशासन कितनी। जैसे कि तमाम साथियों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि मुद्दे क्या क्या हैं, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मुद्दा क्या। सर थोड़ा बगल भैया देख, आप मुद्दा देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे जीव विज्ञान है, तमाम
लंबित परिणाम है, समायोजन है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे जुनून मुद्दा है सामाजिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार हैं, लंबित परिणाम, कई विषयों के तो साक्षात्कार हो गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। और विज्ञापन पर तो सरकार इस तरीके से रोना रो रही है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। समायोजन को लेकर के तमाम लड़के इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं, तो ऐसे में यह सरकार और आयोग दोनों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार करेगी क्या। इसलिए आज हम लोग आए हैं और यहाँ प्रशासन एकदम डटा हुआ, हम चाहेंगे जितने साथी हैं प्रयागराज में दाल चावल और चोखा खा करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुँचे तो ज़्यादा कृपा होगी। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहिए हमारे इस लाइव सेशन पर। हाँ, इनसे नहीं समझ पा रहा है, इनका हो जा रहा है, जब आयोग नहीं चला पा रहा है तो भूसे भरे करने के लिए नहीं नौकरी दी गई है। ये लड़कों को 5-5 महीने के साथ दबा रहे हैं, तो अपना इस्तीफा दे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब ये महोदय या तो बाहर बात करेंगे या अंदर बात करेंगे और स्पष्ट रूप से बता देंगे कि रिजल्ट देंगे, विज्ञापन सब देंगे और जो भी जितना यहाँ का दिक्कत है वो सब पूर्ण करेंगे, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। रिजल्ट निकालने की डेट नहीं चाहिए कि कब देंगे रिजल्ट, इसके पहले हम लोग आते थे कि सर रिजल्ट कब देंगे, 30 तारीख तक आ जाएगा, विज्ञापन कब देंगे, बस महीने लास्ट में, दूसरे सप्ताह, डेढ़ साल से यही सिलसिला लगभग जो है 2019 से चलता है। अब हम लोग आए हैं कि अध्यक्ष महोदय जो चोरों की तरह इधर उधर भागे रहते हैं, आज उनसे वार्ता हो कि वो कब मिलेंगे, आखिर दिक्कत क्या है इनको, ये आखिर वो मिलना क्यों बनाए जा रहे हैं, हटा दिया जाए उनको, और जब सचिव महोदय चला रहे हैं तो वही चलाए। इसी मुद्दे पर हम लोग बात करनी है, चाहे जब 6-6 महीना आएंगे ही नहीं तो बातें नहीं सुनेंगे, वही बात, समायोजन के लड़के भटक रहे हैं, सचिव से मिलते हैं तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, अध्यक्ष से बात करिए, अध्यक्ष महोदय 6 महीने से गायब हैं, बहुत बड़ा सवाल है युवाओं का, तो कम से कम अध्यक्ष मिले, अगर वो लगता है कि भाई विज्ञापन हम नहीं दे पाएंगे तो भाई सीधे कह दे कि हम विज्ञापन नहीं दे पाएंगे, फिर हम अपने दूसरे स्तर की लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि न तो ना कह रहे हैं और ना दे रहे हैं। आज आप समाचार पत्र में देखे, इन्होंने सीधे कहा कि इसी महीने के 3rd सप्ताह में विज्ञापन जारी होगा, इसके पहले आंदोलन हुआ था, इन्होंने कहा कि दिसंबर के लास्ट तक में हर हाल में आ जाएगा। और मकसद इनका क्या है, आप लोगों को मकसद मैं बता दूं, मकसद क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था संजय सिंह बनाम तदर शिक्षकों का, इनकी पूरी मंशा है कि तदर शिक्षकों को हम बचा लें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि 7 जुलाई 2021 तक अगर अगर इनको नहीं भरा जाता है तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अब ये क्या चाह रहे हैं कि 7 जुलाई 2021 तक ये भर्ती नहीं करेंगे और फिर वो कोर्ट में जाकर कहेंगे कि महोदय चयन बोर्ड काम नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारी कार्यवाही और आगे बढ़ा दी जाए और फिर ये मामला फिर न्यायालय में पेंडिंग हो जाएगा। इनकी मंशा यही है कि जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके दामाद हैं, उनको किसी तरीके से बचाया जाए। अब ऐसे तदर्थ आपको बता दें कि 35,000 से अधिक है, इसीलिए लगातार जब डिमांड की जा रही कि इनकी संख्या बताइए तो महोदय संख्या बताने से भी खिचखिचा रहे हैं, इनको संख्या नहीं बताना है, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हीं के रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े DIOS मंत्री मिनिस्टर सबके पास एडहाक पर कॉलेज चलते हैं और टीचर रखे हैं। अगर आप प्रतापगढ़ जौनपुर सुल्तानपुर से हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी मंत्री हैं सफेदपोशी सबके पास 10-15-20 विद्यालय हैं और सब में ढाक शिक्षकों की पूरी भरमार है, तो पूरे शिक्षा व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है इन लोगों ने, इसीलिए विज्ञापन नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मामला पुनः सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हो जाए और फिर बेरोजगार जो है अपना भटकते रहे, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। अभी तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, अभी इलाहाबाद की जो प्रशासन व्यवस्था है उतरी है सड़क पर, अगर ये कार्रवाइया यही रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है ये सोच रहे हैं कि हम प्रशासन से युवाओं को डरा लेंगे तो जिस और जमानी चलती है और जमाना चलता है, डरने वाले नहीं है हम लोग, अगर ये ईंट है तो हम पत्थर हैं,
इन्हें याद होगा बाल सन चौराहे पर 17 तारीख को कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने इनको टक्कर दिया था। अभी हम झूले नहीं है, बस यह है कि हम चाहते हैं कि किसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद भैया। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा कि अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तमाम मांगे हैं और ऐसे में जो धरना प्रदर्शन है वो शाम तक चलता रहेगा जब तक चयन बोर्ड की तरफ से मांगे नहीं मान ली जाती हैं। शाम तक जो भी जैसी भी यहाँ से अपडेट निकलती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए लगातार लोगों को जोड़ते रहिए और अपनी मांगों को इसी प्रकार रखते रहिए।